इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक रूपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। सैटेलाइट तस्वीरों में रूस की जो सैन्य गतिविधि दिखाई दे रही है वो अपने आप में चिंताजनक है। बेलारूस, क्रीमिया और पश्चिमी रूस में सैन्य गतिविधि अचानक बढ़ी है। बेलारूस की प्रियाप्ति नदी पर अचानक पॉन्टून ब्रिज बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस पुल के बनने का गहरा अर्थ है। यहाँ से बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर की दूरी कुछ ही किलोमीटर की है। जाहिर है किसी हमले की स्थिति में ये रणनीतिक बढ़त देने वाली जगह साबित हो सकती है। सिर्फ हथियार और सैन्य उपकरण की तैनाती ही नहीं हो रही बल्कि फील्ड हॉस्पिटल भी बनाए जा रहे हैं। ये सब हमले और युद्ध की तैयारी के संकेत हैं। अमेरिकी सैटेलाइट इमेज प्रोवाइडर कंपनी मैक्सार ने 15 और 16 फरवरी को यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के सैन्य जमावड़े की जो तस्वीरें जारी की हैं वो साबित करती हैं कि बेलारूस, क्रीमिया और पश्चिमी रूस की सीमा पर अभी भी रूस की सैन्य गतिविधियां जारी हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों में यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के लड़ाकू विमान, टैंक, तोप, गोला बारूद, सैन्य चौकियां सब कुछ साफ साफ देखी जा सकती हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी टली नहीं है। यूक्रेन की आर्मी का दावा है कि यूक्रेन बॉर्डर पर अभी भी 140,000 से ज्यादा रूसी सैनिक और रूस समर्थक अलगाववादी फोर्स की तैनाती है। यानी दुनिया अभी भी रूस के दावों पर यकीन करने को तैयार नहीं है क्योंकि रूस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है और यह अंतर सैटेलाइट तस्वीरों में भी दिखता है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के दावे उसके इरादों से मैच नहीं करते हैं। दुनिया को छोड़िए, यूक्रेन को भी रूस के इरादों पर गहरा शक है और इस शक की वजह है रूस की कथनी और करनी का फर्क जो एक बार फिर सैटेलाइट तस्वीरों से पकड़ा गया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन बॉर्डर पर सैटेलाइट से मिली पहली तस्वीर बेलारूस और यूक्रेन को जोड़ने वाली प्रियाप्ति नदी की है। तस्वीरें बताती हैं कि पिछले 48 घंटों में बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर नदी पर एक नया सैन्य पंटून ब्रिज बनाया गया है। इस पुल के जरिए रूस की फौज बेलारूस के रास्ते पलक झपकते ही यूक्रेन में घुस सकती है। दूसरी तस्वीर में यूक्रेन बॉर्डर पर बेलारूस की फॉरवर्ड लोकेशन पर रूस की हेलीकॉप्टर यूनिट की तैनाती दिखाई दे रही है जिन्हें किसी भी वक्त यूक्रेन पर अटैक करने के लिए तैयार रखा गया है। 15 फरवरी को सैटेलाइट तस्वीरों में यहां कम से कम 18 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी दिखाई दे रही थी। तीसरी तस्वीर यूक्रेन बॉर्डर पर ब्रेस्ट इलाके की है जहां रूस की आर्टिलरी यूनिट की तैनाती कम होने की बजाय बढ़ गई है। यूक्रेन बॉर्डर पर एक नया और बड़ा फील्ड भी अस्पताल सैटेलाइट में दिखाई दे रहा है। ये तीनों तस्वीरें अमेरिका की सैटेलाइट इमेज प्रोवाइडर कंपनी मैक्सार ने जारी की है जो रूस के उस दावे पर सवाल उठाती है कि यूक्रेन की सीमा से उसने सेनाओं को वापस बुला लिया है। साथ ही यूक्रेन के उस दावे को पुख्ता करती हैं कि रूस ने सिर्फ कुछ सैनिक वापस बुलाए हैं। बॉर्डर पर रूसी हथियारों का जमावड़ा अभी भी मौजूद है। रूस की तरफ से यूक्रेन के चारों तरफ सेना, मिसाइलों और युद्धपोत की तैनाती को यूरोप में शीत युद्ध के बाद सबसे गंभीर संकट दिखा जा रहा है जिसको काउंटर करने के लिए अब नाटो देशों ने अपनी सैन्य रणनीति को कस लिया है जिसे मजबूती देने के लिए यूएस आर्मी की एक डिवीजन पोलैंड में लैंड कर चुकी है। यूक्रेन की आर्मी भी रूस के हमले का जवाब देने के लिए कमर कस रही है। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सेना की तैयारियों को परख रहे हैं।